धन्यवाद राजीव जी। अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया दल समूह में शामिल होती है, जिसकी बहुत संभावना लग रही है, तो यह इंडिया दल समूह की एक बड़ी राजनीतिक ताकत होगी, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ तक कि गुजरात में भी एक इस इंडिया दल समूह को बड़ी ताकत मिलेगी। मायावती जी का व्यापक समर्थन है और अभी भी मेरा मानना यह है कि कोर वोट उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 से 15% का कोर वोटर जो है वह बीएसपी के साथ है, और विभिन्न राज्यों में भी 3-4%, 3% कुछ हर जगह है, यह इससे कोई इनकार नहीं। मैंने जरा उन राज्यों का नाम भी गिना दीजिए सुनील जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मायावती जी का इंडिया गठबंधन में आने के बाद कितनी संजीवनी इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, जिसमें पंजाब से लेकर अलग अलग राज्य हैं, जरा उसका जिक्र भी कर दीजिए। राजीव जी, मैंने मायावती जी की सभाएं देखी हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, गुजरात में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में, ये तो मैंने अपनी आंख से देखी। बिहार में मैंने उनकी सभाएं देखी हैं और जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखी है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये कई राज्यों में इनका इसका असर होगा। निश्चित रूप से दलितों के बीच में आज भी मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता यह है कि सर्वाधिक सम्मानित नेता मायावती जी हैं। अगर वो मैदान में रहती हैं तो उनको छोड़ करके दलित मतदाता कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है, उनके गैर मौजूदगी में वह कहीं जा सकता है। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां दिखाई पड़ी, वह भारतीय जनता पार्टी की ओर जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। इसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, उस हिंदुत्व की राजनीति से यह दलित समुदाय के लोग, जिस समुदाय के बहुसंख्यक समुदाय मायावती जी के साथ है, वो उसे सहमत नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए हैं, या इसकी चर्चा नहीं होती है, बहुत विचारणीय विषय है। बड़ी बड़ी संख्या में लोग बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं और उसी में अपने उनकी आस्था बढ़ी है। और जिस ये बाकायदे भारतीय जनता पार्टी पर या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर वो ब्राह्मणवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, ये सिविल सोसाइटी बड़ी व्यापक तरीके से वहां चर्चा करती है। तो मेरा मानना यह है कि मायावती जी के आने से इंडिया दल समूह को बहुत ही लाभ होगा। जो अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं कि चुनाव के बाद क्या होगा, तो चुनाव के बाद किसी के बारे में क्या होगा? अखिलेश जी के एकमात्र विधायक थे समाज मध्य प्रदेश में पिछली सरकार में, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, अखिलेश जी तो नहीं रोक पाए उनको। उत्तर प्रदेश में कई इनके नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, अखिलेश जी तो नहीं रोक पाए। कांग्रेस के 29 विधायक मध्य प्रदेश में पार्टी छोड़ के चले गए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना ली थी, कांग्रेस के लोग उनको नहीं रोक पाए। मायावती जी के सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे राजस्थान में, उनको कोई नहीं रोक पाया। कोई किसी के बारे में नहीं कह सकता कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस कम से कम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ती हुई दिखती है, और यही वजह है कि गैर भाजपा राजनीति के केंद्र में कांग्रेस है। आज जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करने की बात कर रहा है कोई भी राजनीतिक दल, वह उसको कांग्रेस के साथ गठबंधन करना ही होगा। अगर वह कांग्रेस से अलग होकर के कोई राजनीति करने का प्रयास करता है, तो जो कर्नाटक में जनता दल एस के साथ हुआ और जो बीआरएस के साथ तेलंगाना में हुआ, वही स्थिति होगी। बीआरएस का विकल्प लोग कांग्रेस बीजेपी को नहीं माने, क्योंकि लोगों ने माना कि बीआरएस और बीजेपी एक साथ है। अगर वो बीआरएस से संतुष्ट हैं तो बीजेपी के साथ नहीं गए, बीजेपी से संतुष्ट है तो बीआरएस के साथ नहीं गए, दोनों लोगों ने कांग्रेस को दिया और कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की तेलंगाना में। इसलिए ऐतिहासिक दर्ज की ये जीत में मानता हूं, क्योंकि जब अविभाज्य आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था तेलंगाना, तब भी कांग्रेस को इस तरह का समर्थन नहीं मिला हुआ जो इस चुनाव में दिखाई पड़ा। और जिस राजनीतिक दल को तेलंगाना बनाने का श्रेय जाता, मैं व्यक्तिगत रूप से भी समर्थक रहा हूं केसीआर साहब का, और 2009 का उनका जो आमरण अनशन था बहुत ही उल्लेखनीय था, ये बड़ा राजनीतिक पहल थी उनकी, लेकिन दो चुनाव आते आते लोगों ने उनको खारिज कर दिया और ये कांग्रेस के प्रति लोगों का जन समर्थन गया। स्थिति यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है,
तो गैर भाजपा मतदाताओं को अपने साथ रोके रखने के लिए उसके लिए आवश्यक है कि कांग्रेस के साथ जाए, क्यों गैर भाजपा मतदाता कांग्रेस को अपना चुनता चला जा रहा है वो। और यह बात अब कोई इसके लिए कोई शोध की आवश्यकता नहीं है, राजनीतिक फैसले, जनता के राजनीतिक फैसले इसके प्रमाण है जी। आप पिछले दिनों 6 राज्यों के जो उपचुनाव हुए आप उसमें परिणाम देख लीजिए, चाहे आप पश्चिम बंगाल का जो उपचुनाव हुआ मुर्शिदाबाद का आप उसको देख लीजिए, महाराष्ट्र में जो कस्बा का उपचुनाव हुआ उसको आप देख लीजिए, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को चुनना स्वीकार कर लिया अन्य दलों की तुलना में। यही नहीं, जहां पे कांग्रेस ने समर्थन दिया, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में सबसे पहला उपचुनाव हुआ 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद, वो था खतौली का उपचुनाव। खतौली का उपचुनाव लगातार दो बार 2017-2022 में भारतीय जनता पार्टी ने उसको जीता, लेकिन 2022 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई और कांग्रेस सहित सभी दलों ने आरएलडी के उम्मीदवार को समर्थन दिया। जी। आप घोसी का उपचुनाव देख लीजिए जो 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद हुआ, यह अभी हाल का अंतिम उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में। आप कह सकते हैं कि घोसी परंपरागत रूप से विपक्षी सीट रही है, लेकिन इतने जल्दी हुए उपचुनाव में 20% मतदान बढ़ गया समाजवादी पार्टी के पक्ष में। ये कौन से लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को वोट देने चले आए? ऐसा तो नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं कर रही थी, लेकिन संयुक्त विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हुआ तो लोगों ने टूट के उठ दिया और उसी उम्मीदवार को हरा दिया जिस उम्मीदवार को 2022 के विधानसभा के चुनाव में लोगों ने जिताया था समाजवादी पार्टी के टिकट पर। जब समाजवादी पार्टी का टिकट छोड़ करके दारा सिंह चौहान बीजेपी में गए, लोगों ने हरा दिया उनको, भारी बहुमत से हराया। तो आज कांग्रेस गैर भाजपा राजनीति के केंद्र में है, यह लोगों को यह विश्वास हुआ है और यह अनायास नहीं है। कांग्रेस ने यह विश्वसनीयता हासिल करने के लिए बड़े उपक्रम किए हैं, बड़े राजनीतिक अभियान चलाया। उस राजनीतिक अभियानों ने और बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर होने के कारण लोगों ने यह माना है कम से कम कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है जी। इस वजह यह हालत यह है, हालत यह है कि जिस किसी भी राज्य में जो कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर वो गैर भाजपा की राजनीति करना चाहती है तो उसको कांग्रेस का साथ लेना ही होगा, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है मतदाताओं का जो कांग्रेस को ही बीजेपी का विकल्प मान रहा है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने बूते चुनाव नहीं लड़ सकती और यह जी इसके और न केवल कांग्रेस, मेरा अपना मानना है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी इस गठबंधन से अलग होकर चुनाव नहीं लड़ सकते। लड़ सकते हैं, वो चुनाव लड़ने में कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन वह राजनीतिक सफलता नहीं मिलेगी जिस राजनीतिक सफलता की वो उम्मीद कर रहे हो। राइट, वोटों का बंटवारा जबरदस्त होगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिबद्ध मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। अगर आप बीजेपी के साथ लड़ना चाहते हैं और बीजेपी को हराना चाहते हैं तो यह सभी दलों को तय करना होगा कि गैर भाजपा मतदाताओं के बीच में जो बंटवारा है उसको रोका जाए, और यह आप तभी रोक सकते हैं जब एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार विपक्ष का खड़ा हो। अगर वहां कांग्रेस भी लड़ेगी, बीजेपी भी लड़ेगी, बीएसपी भी लड़ेगी, समाजवादी पार्टी भी लड़ेगी, तो वह उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बीजेपी के समर्थन में जाएगा, क्योंकि बीजेपी का जो मतदाता है वो उनसे अलग नहीं हो रहा। आप यही, अब इसलिए मेरा अपना मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी बड़े मुद्दे की बात करती है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी को हराना है, तो फिर आपको ये छोटे मोटे मुद्दे छोड़ने पड़ेंगे। आप चुनाव लड़िए, मिलकर चुनाव लड़िए, अपने जो आपसी राग द्वेष है उसको किनारे रखिए इस कम से कम इस चुनाव के लिए, और ये इतने बड़े मुद्दे नहीं जिससे आप जिसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर मायावती जी उनने अपने गेस्ट हाउस कांड के अनुभवों के बावजूद 2019 के लोकसभा के चुनाव में अगर वो साथ खड़े हो गए तो आज 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये मायावती जी को भी पता है कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में उनको एक सीट भी नहीं मिली थी उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में मिलने का कोई सवाल नहीं पैदा होता था। उस राज्य में भी अगर लेकिन जब आप 2019 के चुनाव में गठबंधन से लड़ी आप तो 10 सीटें आपकी आ गई, 10 सीटें आई जी। तो आप अगर आप गठबंधन में जाते हैं तो निश्चित रूप से सभी दलों को फायदा है और बीजेपी का नुकसान है, क्योंकि बीजेपी गैर बीजेपी मतदाताओं का विभाजन संभव नहीं हो पाएगा। और आज भी इसमें कोई राय नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के पास एक प्रतिबद्ध मतदाता है, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का साथ चाहिए। चुनावी जो गणित है,
चुनावी जो व्यवस्थाएं हैं, चुनावी जो व्याकरण है, उसकी उन आवश्यकताओं की पूर्ति समाजवादी पार्टी करती है। संगठन दोनों राजनीतिक दलों के पास उत्तर प्रदेश में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक मजबूत संगठन, एक आक्रामक संगठन, एक साजो सामान के साथ सुसज्जित संगठन और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं का संगठन वो समाजवादी पार्टी के पास है, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक है उत्तर प्रदेश में। मेरा अपना मानना है कि दोनों दलों को, और मेरी अपनी समझ है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन अभी तक मैं मान के चलता हूं कि मैं सही साबित होऊंगा, ये दोनों दल चुनाव लड़ने के लिए साथ आएंगे। इनको भी अपने राजनीति, आप बचेंगे तब तो कुछ आपका राजनीतिक दल रहेगा चाहे नहीं रहेगा। आज की तारीख में तो आवश्यकता है कि आप अपनी राजनीतिक पूंजी को बचाएं, आप अपनी राजनीतिक ताकत को बचा के रखें, और बीजेपी के खिलाफ अगर अपनी राजनीतिक पूंजी को आप बचा के रखना चाहते हैं तो आपको गठबंधन में आकर के ही चुनाव लड़ना पड़ेगा और कांग्रेस के साथ लड़ना पड़ेगा। गैर भाजपा मतदाताओं के विश्वास में कांग्रेस है, इससे इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। और यह गठबंधन अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ, आप याद कीजिए कि बहुजन समाज पार्टी का पहला सांसद मध्य प्रदेश से चुनाव जीत गया था, रीवा संसदीय क्षेत्र से। और आप याद कीजिए कि 2003 उस चुनाव में 11 विधायक जीत के आए थे बहुजन समाज पार्टी के, पंजाब में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो मेरा अपना कई राज्यों में इस गठबंधन का असर पड़ेगा। निश्चित रूप से बहुजन मायावती जी को लेकर के कुछ कोई कह नहीं सकता, उनके अपने निर्णय होते हैं, लेकिन उनको भी अगर अपनी राजनीतिक पूंजी बचानी है तो वो उनको इंडिया दल समूह के साथ ही आना हो। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर चाहे समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश सियासी तौर पर, तो लगता है क्या ऐसा? सुनील शुक्ला जी, निश्चित रूप से रोजी रोजगार, भूख और प्यास, खेती किसानी के जो मुद्दे हैं, अगर इन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने की जो कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा, यह भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ एक बड़ा चैलेंज है। इसका कोई विकल्प नहीं है आपके सामने। और आप याद कीजिए कि 1992 में बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद से जो राजनीति विपक्षी दलों ने किया, उसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, राजस्थान जैसे राज्य में बीजेपी को हारना पड़ा। बीजेपी को सफलता नहीं मिली, जबकि यह आंदोलन अपने चरम पे था और धर्म की राजनीति क्लाइमेक्स पे थी जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। सवाल यह है कि आप इन मुद्दों को लेकर के कितना आगे बढ़ सकते हैं। अब अयोध्या के मामले को आप देख लीजिए ना, अयोध्या के मामले में जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट करने का प्रयास बीजेपी कर रही है, उसमें क्या हुआ? जो चारों पीठों के शंकराचार्य ने क्या कर दिया, वो तो उससे असहमत है। और इस देश में शंकराचार्यों से बड़ा धर्मगुरु कौन है? आप किसी को कुछ भी कहते रहिए, लेकिन इसमें तो कोई बहस नहीं है ना कि जो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित चारों पीठ हैं, उस पे जो वहां के जो शंकराचार्य हैं, वो इस हिंदू परंपरा के, सनातन परंपरा के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। और उन्होंने जिस तरह के बयान दिए, न उन्होंने उस समारोह में जाने से इनकार कर दिया, उस आयोजन के तौर तरीकों को लेकर के उन्होंने इनकार कर दिया, जिस मौके पर उसका प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है उसको लेकर के उन्होंने टिप्पणियां की, जिस तरह की राजनीति की जा रही है उसको लेकर के उन्होंने टिप्पणियां की। तो एक जो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था, उस माहौल को तो बहुत पलट डाल दिया शंकराचार्यों के वक्तव्यों ने। क्या शंकराचार्यों को विश्वास में लिए बगैर कोई धार्मिक माहौल अगर आप खड़ा करना चाहते हैं तो वह सफल हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। और ये ठीक है, कोई आंदोलन चल रहा है कि उस आंदोलन में कोई शामिल है नहीं शामिल अलग है, अलग का विषय है, लेकिन अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, उस धार्मिक आयोजन में उस धर्म से जुड़े हुए जो धर्मगुरु हैं, अगर उनका प्रतिवाद है, उनका प्रतिकार है, उनकी असहमति है, तो मुझे लगता है कि आपके द्वारा तैयार किया गया जो माहौल है वो प्रभावित होगा। अब जो इंडिया दल समूह में ने जो मुद्दे उठाए हैं, आखिर अगर यह आंदोलन या अयोध्या का इतना बड़ा जो आयोजन चल रहा है वह इतना ही प्रभावी है, तो पूरे आंदोलन का, राम जन्मभूमि आंदोलन का असर बिहार में क्यों नहीं दिखाई पड़ा? विपक्षी दलों ने, वहां के दलों ने भारतीय जनता पार्टी के इस राजनीति को क्यों नहीं सफल होने दिया? क्योंकि वह जो राजनीति कर रहे थे वह लोगों के सशक्तिकरण की राजनीति थी, लोगों की बेहतरी की राजनीति थी, जो कमजोर वर्ग था उसको ताकत देने की राजनीति थी। उस राजनीति ने ये जो धर्म की राजनीति थी उसको स्वीकार नहीं किया, नहीं होने दिया। और नीतीश कुमार की जो सरकार भी बनी, जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी बिहार में फैलना चाहती थी, नीतीश कुमार ने कोई अवसर नहीं दिया।
भारतीय जनता पार्टी के किसी एजेंडे को लागू नहीं होने दिया वहां, और उनके साथ सरकार चलाने के बावजूद भी उस किसी भी राज्य में जहां पे लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल महत्वपूर्ण है, राजनीति के केंद्र में है, जिन राजनीतिक दलों ने सवाल खड़ा किया उन सवालों के आगे यह ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चल सकती है। उत्तर प्रदेश में ही चुनौती है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी, 1993 में चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस था उससे बीजेपी को नहीं जीतने दिया। उससे बड़ा क्लाइमेक्स क्या हो सकता है, उससे बेहतर राजनीतिक माहौल क्या हो सकता है। यह जो न्याय यात्रा है, यह न्याय यात्रा कोई सामान्य बात तो है नहीं। इस न्याय यात्रा के दौरान मणिपुर की महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ उसका सवाल उठेगा, जो किसानों के साथ सरकार ने वायदे किए थे कि हम 2022 में आपकी आय दोगुनी कर देंगे उनका सवाल उठेगा, एक साल तक वो धरने में बैठे रहे उनके खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाए गए उनके सवाल उठेंगे, जो ये महिला खिलाड़ियों के साथ जो तमाशा हुआ उसका सवाल उठेगा। कोई एक तो सवाल नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई ना कोई जनता से जुड़ा हुआ सवाल सामने ना हो। जिन जिन चीजों की बात करती रही है सरकार, अगर ये सरकार कहती रही कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उसका जीरो टॉलरेंस है, तो क्या भ्रष्टाचार का यह जीरो टॉलरेंस केवल विपक्षी दलों के साथ है? 95% केसेज क्या ईडी केवल विपक्षी दलों के खिलाफ जांच करेगी? और जो जांच करेगी उसमें उसका कन्विक्शन रेट क्या होगा? क्या 0.5% कन्विक्शन रेट रखकर क्या कर सकते हैं? क्या भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं? और जिन भ्रष्टाचार के आरोपों को आप विपक्षी दलों के ऊपर लगाए, उन नेताओं के ऊपर आपने लगाया, वो विपक्षी नेता आपकी पार्टी में शामिल हो गए तो आपने उनको सत्ता में शामिल कर लिया, उनके खिलाफ जितने भ्रष्टाचार के मुद्दे थे सब आपने बंद कर दिए। तो जितने सवाल हैं लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल, ये सब इस न्याय यात्रा के माध्यम से उठेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने जनता से जुड़े हुए सवालों को सामने लाने और उनके साथ संवाद कायम करने का जो एक अभियान शुरू किया, वह सिलसिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा। और ये केवल रुका नहीं, अगर वो किसी सब्जी वाले से मिल रहे हैं, किसी मोटर मैकेनिक से मिल रहे हैं, वह डिलीवरी बॉय से मिल रहे हैं, वह रेलवे स्टेशन पर जाकर के कुलियों से मिल रहे हैं, तो यह जनता से संवाद करने का एक सिलसिला था। और इस तौर तरीके ने विपक्षी दलों की राजनीति की, खासतौर से कांग्रेस की राजनीति को विश्वसनीयता प्रदान की, जिस विश्वसनीयता को अविश्वसनीय बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी प्रयास किए, और वह जितने के प्रयास थे ये आते आते वो सब प्रयास खारिज हो गए। आज की स्थिति हो गई कि सबसे बड़े एक बीजेपी के विकल्प के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर आई, लोगों की पसंद बनती चली जा रही है। यह बड़ी चुनौती है जी। और यह जो यह न्याय यात्रा है या जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, यह चुनाव के समय इन्हीं राजनीतिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। भाषणों से, बयानों से, वक्तव्य जारी करने से वो असर नहीं पड़ता जो आप सीधे जनता के बीच में जाकर के जो आप बात करते हैं उसका असर पड़ता है। और इन माध्यमों से अगर इस राजनीतिक कार्यक्रमों में इंडिया दल समूह के राजनीतिक दल शामिल होते हैं, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक अलग तरह की सिनर्जी डेवलप होगी, जो नितांत आवश्यक है चुनाव लड़ने और जीतने के लिए। तो यह मेरा अपना मानना है कि इस न्याय यात्रा के माध्यम से जो जनता के जुड़े हुए सवाल है वो खड़े हो रहे हैं, और जनता से जुड़े हुए सवाल किसी भी भावनात्मक सवाल से ज्यादा गहरे और असरकारी होते हैं जी। उसका असर पड़ता है और निर्णायक साबित होते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जनता से जब आप जुड़ते हैं, जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी,